अब हम आगे चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में, और आज हम थोड़ा आई होप आप सबको फ्लायर्स मिले होंगे और थोड़ा आप लोग भी एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि थोड़ा हम कुछ अलग आज करने वाले हैं। आज हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना कापी पेन लेके बैठे, है ना, पेन लेके बैठे, क्योंकि आज कुछ हो सकता है ऐसी चीजें आपको सुनने को मिले, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्सपीरियंस कुछ मिले, विजडम कुछ मिले, जो आपके बिजनेस को जो थोड़ा ठहराव है ना उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जा सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा है बट और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? कैन आई सी देयर हैंड्स? ऑसम, ग्रेट। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था स्टार्टिंग में, मुझे पता है मैं ज्यादा के ज्यादा मेरा फोकस ये होता था कि अंकुर जी बताइए करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। बट बार 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 मीटिंग्स में, लीडरशिप में, सिस्टम में, कोचिंग में, जहां जहां मैं बैठूं, हमेशा एक ही बात होती थी, अपना वाई निकालो, अपना वाई निकालो, अपना वाई निकालो। इनफैक्ट उसके बाद उस वक्त तक कभी मैंने जिंदगी में इतना मेरे वाई के बारे में सोचा नहीं, बट इस बिजनेस के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू समझ में आया, मेंटरशिप के थ्रू, कि वाई कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप सब लोग जो भी बिजनेस में है, जो कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, वो ये चीज को जानते हैं कि ये वाई जो कंपोनेंट है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये वाई आपको हिट करने वाला है। और यही आपके बिजनेस में, अगर आप पूछें कि क्या है ऐसा चीज जो आप किसी को बहुत सक्सेसफुल बनाता है और किसी को क्विटर बना देता है, तो ये उसका वाई है जो उसको बहुत आगे तक ले जाता है। पर जब हम इस वाई को ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो इसका एक प्रोसेस है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू ऑल आर इन दी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, बिगिनिंग होती है एज अ चाइल्ड यू बिगिन, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, ये वाई के साथ भी बहुत सारा खेला होता है, गेम्स होते हैं, यू नो, बहुत सारी चीजें होती हैं। और वाई किस तरह से कभी यू नो लाइक अ मूवी चेंज होता है, टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है, एक्सपाइज। तो आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे लीडर्स को आपके समक्ष पेश करने वाले हैं जो अपकमिंग हमारे चैंपियंस हैं। इनफैक्ट वो सारे के सारे स्टार 15 लेवल पे हैं, और स्टार 15 एक बेहतरीन लेवल है जहाँ पे आपके मल्टीपल लीडर्स पैदा होते हैं, एंड द जर्नी टू सिल्वरशिप इज वेरी क्लोज। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे लीडर्स जो है इस बिजनेस में काफी समय से हैं, इसका मतलब है कि वो टिके हुए हैं, दे आर कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी देखे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कॉन्स्टेंटली बिल्ड कर रहे हैं। तो उनके साथ वो जो भी बात बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सबने बहुत ध्यान से अटेंटिवली उनको सुनना है और काफी सारे नगेट्स आपको मिल सकते हैं। सो अंकुर जी, इज इट पॉसिबल कि हम चारों लोग को एक फ्रेम में ले लें, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं? आप एक एक करके नाम बोलिए, मैं लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपका नाम लूंगा और मैं चाहूंगा फ्रेम पे आइए, और पहले आप अपना नेम एंड प्रोफेशन, ये दो चीजें आप बताइए। सो पहले मैं अवधेश, मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करें। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। थैंक यू। वेलकम अवधेश, वेलकम। फिर मैं बुलाना चाहूंगा ऑन द डायस नेहा केनी जी को। नेहा जी अनम्यूट करिए आप। थैंक यू। मेरा नाम है नेहा केनी। बिजनेस में आने से पहले मैं हाउसवाइफ थी, नाउ आई एम अ बिजनेस ओनर। वेलकम, वेलकम आपका। फिर हम इनवाइट करना चाहेंगे हरिना श्री शेट्टीकर। या गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ हरिना श्री शेट्टीकर, एंड बाय एजुकेशन मैंने बीएलएल भी किया है, एंड आई एम एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, वेलकम, वेलकम। मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधिका चांदक जी को। थैंक यू डॉक्टर मनीष। मेरा नाम राधिका चांडक है और मैं एक होम मेकर थी। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ। सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वेरी गुड, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पहले हमारे पैनलिस्ट के लिए,
तो मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं जंप करना चाहूंगा एंड मैं पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अवधेश यादव, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और डॉक्टर अवधेश, पहला पॉइंट जो है हमारे बिजनेस में, ऑफकोर्स वाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा कहते हैं कि वाई के बिना कुछ नहीं होता, आपका कारण होगा तभी आप कुछ करोगे। बट आप थोड़ा इसके ऊपर लाइट डालिए कि वाई इज वाई इंपॉर्टेंट, ये वाई जो है ये इंपॉर्टेंट है ही क्यों, क्यों इसके बारे में इतना सोचना चाहिए, इतना इसके बारे में बात करनी चाहिए। या प्लीज। थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू सो मच। वाई इज सो इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली लाइफ में कोई भी काम करना हो, आपको कोई भी चीज अचीव करना हो, तो वहां पे जब आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, तो हाउ है ना ऑटोमेटिकली फाउंड हो जाएगा। कि जब आपका क्लियर होगा कि हाँ वाई क्यों करना है, तो कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ता बनाना शुरू कर देता है। और वाई को जो ना आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अगर आपको क्यों करनी है, उसके लिए या तो आपका बड़ा ड्रीम हो सकता है, या आपके लाइफ में किसी चीज की कमी हो, या कुछ फियर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। एक बड़ा ड्रीम हो सकता है किसी का जो लाइफ में अचीव करना चाहता है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर आज मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, तो अगर मैं मर्सिडीज के लिए एक वाई अपना अगर वहां पे क्रिएट करता हूं, तो कुछ समय बाद हो सकता है कि वो डिजॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर मर्सिडीज नहीं भी मिली, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लाइफ में मेरे ना चेंजेस नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम अपनी लाइफ में ना कुछ इमोशनल चीजें देखते हैं कि हाँ अगर मेरी अगर लाइफ में नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, तो जैसे कि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकता है या फियर हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में लोन हो सकते हैं घर के, या किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है, या चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए उनको एक बड़ा अमाउंट, कुछ बड़ा बिग अमाउंट लगने वाला हो, ये चीज हो सकती है। ये जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है। जब आपके ऊपर बड़ा लोन होता है ना, तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है कुछ, आपका एफर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट होता है कि हाँ मुझे क्यों इस काम को करना है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने ऊपर से लोन को हटाना है। इसके लिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप बोलते हैं हाँ पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, और पढ़ाई लिखाई करके वो अच्छा नंबर लाता है, जिस दिन वो मेडिकल में या किसी और जगह पे उसको एडमिशन चाहिए होता है, वहां पे अगर पैसे की आप पैसा नहीं दे पाते हैं, तो सोचिए आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। तो वहां पे एक जो ना एक वाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैं इसे क्यों करूं, क्योंकि मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए वो जो अमाउंट चाहिए वो कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस को बड़ा बना के ही हो सकता है और यहां से पा सकता हूं मैं। कई बार होता है ना कि हाँ अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रोज सुबह सुबह उठ के, कुछ लोग बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो 4 से 5 बजे उठते हैं, अपने जॉब के लिए निकलते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोकल ट्रेन में भीड़ में एकदम घुस के, और कौन चाहता है, शायद आप नहीं चाहते हो उसके लिए। यहाँ पे एक आपका स्ट्रांग वाई क्रिएट हो सकता है कि हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि जो रोज मुझे लोकल में भाग दौड़ करना पड़े, ऐसे लटक के जाना पड़े, सुबह सुबह नींद खराब करके भागना पड़े, ऐसा सब कुछ हो। एक सिक्योरिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है आपके लिए कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि जिससे कि कोई भी सिचुएशन आए तो मैं उस समय स्टेबल रहूं। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। अगर किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो या कोई भी बड़ा प्रोफेशनल हो, एवरी मंथ अच्छी इनकम, 6-figure इनकम कमा रहा है, इट्स गुड। अगर डॉक्टर्स का ले, मैं डॉक्टर हूं, एक मैं अपना ही एग्जांपल लूं, तो मेरे लिए एक अच्छी इनकम मैं बना रहा हूं, इट्स गुड। आज मेरी जो काबिलियत है उसके ऊपर मेरे पेशेंट्स आते हैं, मेरे लाइन में और भी कंपटीशन बढ़ जाए, और भी डॉक्टर्स आ जाएं, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी काबिलियत है उसके भरोसे मेरे पेशेंट्स तो आएंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर फिजिकली कोई डॉक्टर ये उस लायक ना हो वो वर्क करने के लिए, कुछ उससे सिचुएशन आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में,
और लाइफ में कुछ भी होने के लिए कभी वो फोन करके नहीं आने वाली और कभी भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं अपने क्लिनिक पे नहीं बैठ सकता हूँ या कोई डॉक्टर नहीं बैठ सकता है और वर्क नहीं कर पाता है तो क्या इनकम आने वाली है? उस समय आपके जो भी घर की सिक्योरिटी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्या ये हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट हो सकता है। मैंने शुरुआत पहले बताया कि बिग ड्रीम और या फिर इमोशनल ड्रीम या फिर फियर या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं पाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल फील्ड के लिए हो, आईआईटी के लिए हो या गवर्नमेंट की कोई ऐसी सीट हो जैसे कि आईएएस पीसीएस की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 4 साल 5 साल लगा देते हैं आईएएस पीसीएस में, तो मैंने देखा है कि 6-6 7-7 साल लगा देते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो वाय है ना वो एकदम स्ट्रांग है और जिसकी वजह से वो दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनको एक क्लियर है कि मुझे क्वालिफाई करना है तो इसके लिए जो भी चीज लगेगा मैं उसे करूंगा और पूरा फोकस्ड होता है उस पे और उस चीज को अचीव कर पाता है। तो हमारे लिए वाय जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हमें ही ढूंढना होता है कि किस तरह से उसे क्रिएट करना है। तो आई थिंक मैंने जो भी बात की है कुछ रोशनी डाल पाऊं। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। अमेजिंग अमेजिंग अवधेश, इट वाज रियली ऑसम एंड बहुत अच्छे से आपने शॉर्ट टाइम में बहुत क्रिस्प करके उसको बताया है और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे जो आपने जो कहा कि इमोशनल होना चाहिए आपका वाई। यू गिव अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज कार बट इमोशनल होना चाहिए। और कहते हैं कि कई बार आपका फियर और आपका प्रॉब्लम ज्यादा आपको भगाता है। और जब आप लोकल ट्रेन की बात कर रहे थे ना तो मैं मेरे पुराने दिन याद कर रहा था जब मैं सुबह सुबह मीरा रोड से अंधेरी जाता था और जब वो सुबह सुबह जब जितना प्रेशर आता था ना मुझे उतनी बार याद आता था कि मुझे इस पे नहीं बैठना है इससे निकलना है। तो वो प्रॉब्लम है ना वो, और मैं बता नहीं सकता कितनी बार प्रेशर आता था, उसके लिए आपको सुबह ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बट इट वॉज रियली गुड अवधेश, आपने बहुत पॉइंट्स अच्छे डाले। एंड ऐसा कहते हैं कि इफ यू नो योर वाई हाउ इज ऑटोमेटिकली फाउंड। आपको वाई पता होना चाहिए, क्यों अपने करना है, क्यों और कैसे करना है, वो रास्ता अपने आप मदर नेचर खोल देता है। तो वाई हमने समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है, उसको क्यों हमने बार बार उसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं चलूंगा हमारे नेक्स्ट लीडर की तरफ, नेहा जी की तरफ। सो नेहा जी, वाई तो समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट है, बट क्या होता है कि बिजनेस में आने के बाद इतनी सारी चीजें हैं एक्सप्लोर हम करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आजकल का जो समाज है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया है, ये मींस अपना माइंड एकदम पूरी तरह से कैप्चर्ड किया गया है हर जगह से। तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये तो चलो समझ में आ गया कि वाई मॉडल इंपॉर्टेंट, बट मैं अपना वाई, हाउ टू फाइंड आउट माई वाई, उसके कुछ प्रोसेस हैं, कोई स्टेप्स हैं, क्या उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? Yes. Thank you, Manish. Definitely. Actually, why find out करना difficult होता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ कि हम business में आते हैं ना, जैसे मैंने business में जब entry की थी तो मुझे आज भी याद है, मुझे विभाजी ने पूछा था कि नेहा तेरा ड्रीम क्या है, और आई एम शॉक्ड क्योंकि मुझे आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं था कि तेरा ड्रीम क्या है। तो मैंने बताने के लिए बता दिया विभाजी को कि मुझे मेरे हस्बैंड का टाइम चाहिए ना। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं ना, अपलाइन पूछता है कि आपके ड्रीम क्या है, तो कभी कभी हम कुछ इम्प्रेस करने के लिए भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं जो बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड का मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये टाइम मुझे कहाँ और कैसे स्पेंड करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो क्या, और बिजनेस में आने से पहले मैं ड्रीमर थी, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम्स को दिशा देने का काम किया है मेरे कोच और मेरे मेंटर ने। जैसे हम बिजनेस में आते हैं, एंट्री करते हैं, डेफिनेटली हम लाइफ में कुछ चाहते हैं, इसके लिए हम बिजनेस में एंट्री करते हैं। लेकिन जब भी हम बिजनेस में आते हैं तभी हमारा वाई अलग होता है,
और जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे जाते हैं तो हमारा वाई अलग हो सकता है और होता है वैसे। कैसे होता है कि जैसे मैं पहली बार जब विभाजी को मिली, जैसे उनके घर पे गई, तो भी मैंने देखा विभाजी के कपड़ के ऊपर बहुत सारे ड्रीम्स लिखे थे। मार्बल का मंदिर चाहिए, उन्होंने लिखा था मुझे मोबाइल चाहिए। तो मुझे तभी लगा कि ऑलरेडी तुषार जी अच्छा कमा रहे तो ये लिखने की क्या जरूरत है विभाजी को, ऐसे मुझे तभी लगा था कि वो तो अभी भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे जैसे जैसे मैंने मीटिंग अटेंड किया, और पहले कैसे होता था, अभी हम वर्चुअली मिल रहे हैं ना, लेकिन पहले हम फिजिकली मिलते थे। जैसे मेरे घर पे कभी होम मीटिंग हुआ या मेरे घर पे हैंग आउट हुआ तो हम मिलते थे, हम ओपन मीटिंग में मिलते थे हॉल में। तभी कैसे होता था, हम अपलाइन के साथ बैठ के चाय पीते थे, खाना खाते थे, वो बात अलग ही थी। तभी अपलाइन कुछ बातें करते थे कि वो टूर पे जाके आए हैं तो हमने टूर में ये एंजॉय किया। जब भी कहीं हमने खाना खा रहे हो और कभी फिश दिख रहा है तो तुषार जी बोलते अरे ये टूर में गए थे तो नेहा तेरा याद तो डेफिनेटली आया। तो क्या होता है, हम ऐसे लोगों के साथ रहते ना कि ऑलरेडी जो सक्सेसफुल है और वो अचीव करके आए, तो उनके साथ हम रहेंगे ना तो हमारा वाइफ फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे हम उनके कनेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, हमारा वाई और क्लियर हो जाता है और हमको लगता है कि यस डेफिनेटली मुझे ये भी चीज चाहिए थी, ये भी चाहिए थी। तो इसके लिए ना हमेशा आपके अपलाइन जो है, आपको जो बिजनेस में लेके आए हैं और उनके जो मेंटर है, उनके साथ आपने हमेशा कनेक्शन में रहना है ताकि आपको वाई ढूंढने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं विभाजी के घर पे बैठी थी, रॉबी जी के साथ मैंने बात किया था, अंकुर जी के घर पे गई थी, मैं उषा जी के घर पे गई थी, सुनीता के साथ बैठा, ऐसा लगा था कि नहीं मुझे लाइफ स्टाइल इनके जैसा होना चाहिए। हमेशा आज भी मैं विभाजी का घर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा घर ऐसा होना चाहिए ना? तो ये होता है अपलाइन के साथ, जब आप बैठते हो उनके साथ चाय पीते हो तभी होता, नहीं तो हम ओपनली कभी बात नहीं करते उनके साथ। लेकिन उनके घर पे जाते तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुलते हैं उनके साथ बात करने के लिए ना। दूसरी बात होती है कि जैसे जैसे हमने फंक्शन में जाना स्टार्ट किया, जैसे मैं बिजनेस में आई थी तो मुझे बुक पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन पहला एक बुक पढ़ा, बाद में दो पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ा मैंने, जीत आपकी पढ़ी, सबकॉन्शियस माइंड का पावर जब मैंने पढ़ा, सीक्रेट सीडी सुना या देखा, तो मुझे और लगा कि माइंड में कुछ है ना अलग होने लगा मेरे। ऐसे लगा कि नहीं नेहा ये तू भी अचीव कर सकती है, तू क्यों नहीं फॉरेन ट्रिप जा सकते, तू क्यों नहीं तेरे मन चाहे शॉपिंग कर सकती है ना, तेरे अपलाइन कर रहे, तेरे मेंटोर कर रहे तो तू भी कर सकती है। तो ये विश्वास आने लगा बुक्स पढ़ने से। सीडी जब मैं सुनती थी, रैली सीडी मैंने बहुत इतनी सीडी सुनी है। जब धर्मेंद्र राणा बोलता है कि ये मेरे बीबी के लिए मैंने कंगन लिया है लाखों का ना, किरण देसाई बोलते हैं हमेशा कि कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ टैग देखना नहीं पड़ता है मेरे वाइफ को, आज की तारीख में वो बोलते हैं आज हम टूर से वापस वहां एमवे के टूर के लिए जा रहे हैं, बैग पैकिंग करना है। तो मुझे तभी याद आया कि हाँ मुझे भी लगता था कि हर कोई बाहरगांव जा रहा है तो यहाँ तू कब बैग पैक करेगी। तो ऐसे मैंने मेरे ड्रीम फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि लेडीज के लिए ड्रीम फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो चीज के लिए, इसका मतलब क्या, वो मेरा ड्रीम है मुझे वो चीज लेनी है, या मुझे कहीं जाना है बाहर का, आउट ऑफ इंडिया भी जाना है तो मेरे पास कैश का कुछ इश्यू नहीं है तो मैं कैसे वहां पे एंजॉय करूंगी। ये लेडीज के लिए बहुत इजी है फाइंड आउट करना कि वाई मुझे क्या चाहिए बिजनेस के लिए। तो जैसे जैसे आप सीडी सुनेंगे ना तो मुझे एज अ हाउसवाइफ ये लगा कि ये लेडी कर सकती है तो वाई नॉट नेहा केनी, ये नेहा केनी के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको बोलते हैं ना हमेशा वो जोन में रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आएगा, सब कुछ चीजें होगी ना, लेकिन मेरा वाई क्लियर है ना तो मुझे कुछ मैटर नहीं करता है। दो चीजें लाइफ में हमेशा मैटर करेगी, एक आपका माइंड और एक का मैटर। मेरा जो माइंड अच्छा है तो कुछ मैटर नहीं करता है, मेरा माइंड ये नहीं है तो मैटर बहुत सारी चीजें करेगी मैटर। इसकी वजह से मेरा वाई क्लियर होता चला गया। दूसरी बात ऐसे हुई कि जब भी हम फंक्शन में जाते हैं, हम छोटे छोटे जैसे हम हैंग आउट अटेंड करते हैं या आज का जब मैंने ओपन अटेंड किया, आशुमा को जब भी मैंने सुना तो थोड़ा सा और ड्रीम बिल्ड हो गया कि अरे मैं भी आशुमा जैसे बात कर सकती हूँ ना। जब भी सुनीता जी बात करते हैं, सुनीता का जब अप्रिशिएट करते हैं, सकते कि मुझे कब ऐसे अप्रिशिएशन मिलेगा ना। तो हर एक चीज आपका वाई क्लियर है ना, मतलब आपके माइंड में है कुछ चीजें मुझे लाइफ में चाहिए। कुछ चीजें ऐसे होती है कि मिस आउट हो जाती है, शादी करके हम आते हैं घर में तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि हम हमारे ड्रीम के ऊपर ना धूल पड़ी होती है,
तो वो धूल को झटकने का काम करेगा हमारे अपलाइन, हमारे कोच, हमारे मेंटर और ये जो मेरा एसोसिएशन है। वो मीटिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि विजन बोर्ड लगाना जरूरी है। जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं होता है। एक हमने बचपन में नहीं सुना है, बहुत सुना है चीजें, लेकिन तभी हमने कुछ चीजें को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन बार बार मीटिंग में जाने के बाद ये सुना कि अरे विजन बोर्ड लगाओ, विजन बोर्ड लगाओ ना। जैसे सुगी कजमानी बोलते हैं, मैंने इतने सारे बच्चों के फोटो लगाए थे तो मुझे इतनी बेटियां हो गई ना, मैंने ये गाड़ी का पिक्चर लगाया था तो मुझे गाड़ी मिल गई। तो भी मुझे लगता था कि ऐसे हो सकता है, तो हमने ये कोशिश किया कि चलो लगा के तो देखते हैं क्या होता है, और लगाना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक ड्रीम कम्प्लीट हुआ। हाँ, लेकिन खाली लगाने से नहीं हुआ है, उसके लिए एफर्ट भी डाला है, काम भी किया, उसके बाद हुआ है। नहीं तो हर किसी को लगेगा कि चलो कल मैं पिक्चर्स लगा देती और मैं खाली पिक्चर्स को देखती रहती, तो नहीं होगा ना। हर एक फंक्शन भी अटेंड करेंगे ना तो भी आपका वाई क्लियर, वाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एमवे के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, पहले हम तो बाहर जाते थे मीटिंग के लिए, तो हम लाइव ही देख सकते थे कैसे उसने साड़ी पहने। जैसे नेहा देखेगी तो पहला क्या देखती है मालूम है, उसने क्या साड़ी पहनी है, क्या ज्वेलरी पहनी है उसने, उसने उसके ऊपर चप्पल क्या डाला है या कौन सा दुपट्टा लिया है। वो मुझे ज्यादा चीजें वो अट्रैक्ट करती है ना, और ऐसा लगता है कि इनके जैसा लाइफस्टाइल मेरा भी होना चाहिए। जब हम देखते हैं ना तो ज्यादा और ज्यादा हम क्या बोलते हैं, वो चीज को महसूस करते हैं कि यस आई वॉन्ट दिस। तो इसके लिए मैं इतना भी बोलूंगी कि आपने रात को सोने से पहले एक एफईडी का सीडी देखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप देखेंगे ना तो वो देखते देखते आप सो जाते हो, वो जरूरी है। जैसे परसों एक सेशन हुआ था एमवे का, यूथ का, उसमें संग्राम सिंह आया था जो बेस्ट रेसलर है, अवार्ड मिला है उसको। और उसको जब भी मैंने सुना ना तो मुझे एक चीज पता चली कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लड़के को एथराइटिस हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने से ज्यादा ये लड़का नहीं जिंदा रहेगा, अब उसको घर पे लेके जाओ, उसके मम्मी को बोला था, उसके लिए कुछ भी इलाज नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी उसका घर पे लेके आए, डॉक्टर ने बोला था उसको मालिश भी नहीं करना है आपने, उसकी मम्मी ने उसको दिन में 10 नहीं 15 बार उसको मसाज करती थी और बोलते आहिस्ता आहिस्ता में खड़ा रहना स्टार्ट हो गया, मतलब किसी ने धक्का मारा तो भी फ्रैक्चर होने के चांसेस थे, इतनी मेरी हड्डियां कमजोर थी। आज वो आदमी बेस्ट रेसलर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और जब ये सब मैंने देखा ना, उसको जब इन्वाइट किया एमवे ने, तो मैं यहाँ बैठ बैठ के ऐसा ड्रीम ले रही थी कि नेहा तुझे कब एमवे इन्वाइट करेगी, कि एमवे की तरफ से तुझे भी इन्विटेशन आएगा एक दिन। जैसे बीच में रॉबी जी का जो सेशन हुआ था, शुभश्री जो आई थी, जो उसको अचीवर मिला था, आर्टिस्टी अचीवर के लिए जो आई थी, उसने जो हेयर स्टाइल वगैरह किया था, मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट निकाला और सुनीता को भेजा और मैंने बोला सुनीता ये मुझे चाहिए। तो वाई आपको फाइंड आउट करना स्टार्टिंग में शायद लगेगा, बिजनेस में आने से बात तुरंत ऐसा लगेगा कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या लाइफ में। होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि क्या चाहिए नहीं है तुझे लाइफ में ना। सब कुछ था, अच्छे से खा रही थी, अच्छा कपड़ा भी मिल रहा था, ऐसे नहीं था कि कुछ खाने के वांदे दिन, लेकिन कुछ अलग चाहिए था मुझे, कुछ चाहिए था। और जैसे जैसे मैंने मीटिंग में आना स्टार्ट किया, ये एसोसिएशन में मैंने रहना स्टार्ट किया, कोच के साथ मैंने मेरा रिलेशन बढ़ाया, जैसे मैंने विजन बोर्ड लगाया मेरे घर पे ना, तो एक विश्वास आने लगा कि यस नहीं ये अचीव कर सके तो ये भी होगा, ये हो रहा है तो ये भी होगा। तो इतना ही बोलूंगी, जैसे आपके ड्रीम कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको कितने देर तक है ना उसको होल्ड कर रखते हैं ना, मतलब पकड़ के रखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर वो जो सेशन हुआ था एमवे का, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। कसौटी वक्त की है, कसौटी वक्त की है, घोंसलों को तोल के रख, कसौटी वक्त की है, घोंसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, बहुत कुछ देने वाला है हमको। थैंक यू। Amazing. I am just getting fired up. You know, ये जो लास्ट में आपने जो हौसलों और वगैरह की बात की, मुझे लगा सच में मैं उड़ रहा हूँ। Very nice. हनी नेहा जी एकदम जबरदस्त। और कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आपने बताया कि विजन बोर्ड के बारे में आपने बात किया, तो पीपल शुड गेट कनेक्टेड विद ए कोच एंड मेंटर एंड टॉक अबाउट व्हाट इज विजन बोर्ड। मेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन रखना है, मिलना है, वहां से आपका ड्रीम डेवलप होता है ना, ऑफकोर्स एसोसिएशन। और मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी माइंड एंड मैटर वाली, माइंड संभालेगा तो मैटर ठीक रहेगा, माइंड नहीं संभालेगा तो मैटर खराब हो जाएगा। इट वॉज गुड, लेट्स क्लैप फॉर नेहा जी।
सो अब हम आगे चलते हैं और हमने ये समझा कि वाई क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर हमने ये समझा कि उसको कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे अपने वाई को, हाउ टू गेट आवर वाई आउट। बट क्या, चलो पता चल गया कि मुझे मेरा ये वाई है, आपने विजन बोर्ड लगा दिया, आपने सपने चिपका दिए, आपको क्लैरिटी हो गई धीरे धीरे कि मुझे ये चाहिए, तो क्या काम हो गया? असली काम तो अब चालू होगा, असली काम अब चालू होगा। क्या होगा? Whenever you ask for something from the nature, Mother Nature is going to test you for that. वो पहले आपको टेस्ट करता है। आप चाहते हो मैं ये बनना चाहता हूँ, वो आपके कंधे चेक करता है, भैया है दम है, दम है। अब इसके बारे में बात करने के लिए factors which test your why in the process of achieving your dream, factors which test your why, मैं यहाँ पे ऐसे लीडर को बुलाना चाहता हूँ जिनको मैं काफी समय से, जब से बिजनेस में हूँ, देख रहा हूँ। She is a rock solid personality, और सब चीजों को उन्होंने, मतलब actually life has tested her, but she has always stood like an iron. So मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे हरिनाक्षी जी को on the dais, and हरिनाक्षी जी please talk about factors which test your why. Yeah, thank you so much Manish ji for your kind words. Yeah, good evening everyone. ऑफ कोर्स अभी अविदेश जी ने और नेहा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वाई सो इम्पोर्टेंट एंड कैसे हम वाई को फाइंड आउट कर सके, राइट? तो ऑफ कोर्स हमारे वाई तो फाइंड आउट हो गया, राइट? बट आगे क्या है, तो उस चीज को हमको अचीव करना है, राइट? तो उसके लिए जो अचीविंग का प्रोसेस होता है, जो हम काम करते हैं, राइट? जब हम काम करने लगते हैं, जो बोलते हैं ना कि नेचर का एक नियम है ना, कोई भी चीज आप बड़े चीज चाहते हो ना, तभी आपको बहुत सारे चीज को फेस करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ये अपना लाइफ का टेस्टिंग पीरियड होता है। बिकॉज देखिए, कोई भी चीजें आपको आसानी से मिल जाते हैं ना, उसका वैल्यू नहीं पता होता है, राइट? तो वही चीज को आपने कुछ मुश्किल से अचीव किया रहेगा, तो उस चीज का वैल्यू भी पता होता है, और साथ में आपको वो एक लाइफ का लेसन भी बन जाता है, किसी और के लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है, राइट? तो हमेशा जब हम ये प्रोसेस में जाते हैं, तो गॉड विल टेस्ट यू, राइट? तो वो टेस्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सबका एक ही जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, राइट? ये क्यों टेस्ट करते हैं? बिकॉज कुछ बड़े चीज हमको देने से पहले ना, जब हम चाहते हैं ये लाइफ में बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, या लाइफ में बहुत कुछ बड़े चीज अचीवमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेहा जी ने बहुत सारे ड्रीम के बारे में शेयर किया है ना, तो वो सब हम पाना चाहते हैं, तो गॉड ये भी देखते हैं कि नेचर ये भी देखते हैं कि क्या हमारा कंधे उतना मजबूत है, क्या आप उसको झेल सकते हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस में हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना हो, या गॉड आपको खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको खुद को, खुद के कंधे को मजबूत करने के लिए आपको टेस्ट करेगा, राइट? तो उसमें अलग अलग हो सकता है। कुछ चीजें मैं जो शेयर करूंगी, ये कुछ चीजें जो मैं जो प्रोसेस में गई थी, कुछ चीजें मैंने फेस किया, वो उसके बेसिस पर मैं कुछ शेयर करूंगी, राइट? जैसे कि कुछ इनिशियली जब हमने बिजनेस शुरू किया, कि जब हम किसी से बात करने लगते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने लगते हैं, तो सबसे पहले जो हमको सुनने को मिलता है नो, दैट इज रिजेक्शंस, राइट? तो ये रिजेक्शंस ना, कि कभी कभी हमको बहुत सारे डिमोटिवेट करता है, राइट? तो दूसरी चीज, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है। जैसे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो जितना हम काम किए उसके हिसाब से हमको रिजल्ट भी मिले, राइट? कभी कभार वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाती है, तो वो चीज भी हमको डिसअपॉइंट कर देती है, राइट? तो ऑफकोर्स हमने जो भी मेहनत किया वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी ना कभी तो हमको मिलेगा उसका रिवॉर्ड। बट कभी कभी क्या होता है कि उस वक्त हमको रिजल्ट नहीं मिल पाती है ना, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट? कुछ ऐसे भी सिचुएशन हुआ आता है कि हमने बिजनेस को कुछ समय तक, कुछ साल तक हमने बिल्ड किया, हमारा टीम भी बन चुके हैं, राइट? तो कुछ सिचुएशन से या कुछ रीजन से है ना, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ हो टीम, है ना, कुछ बहुत एक्साइटेड से बिजनेस में आ गए, पता नहीं फिर कहाँ गए, राइट? तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तभी उसी वक्त हमसे उस चीज का यू नो डिले हो रहा है, उस अचीवमेंट का। तो ये चीज भी कभी कभी ना हमको बहुत डिमोटिव करता है, कभी डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे वाई को कभी कभी हमको यू नो
पाने तरफ यू नो हम डिस्ट्रैक्ट होके कभी कभी वहां छोड़ भी देते राइट तो ये डिस्ट्रैक्शन को भी इसीलिए आता है ये हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है ना गॉड चाहते हैं आपका और बड़ा टीम बने है ना देखिए हमने बहुत सारे सीरीज या बुक्स में भी हमने सुना है ना लीडर्स को ना कि हम बनाया नहीं जाते ये जो प्रोसेस में हमको लीडर मिल जाते वो अपने आप टीम तभी अपना टीम बिल्ड हो जाता है राइट तो ये हमने उसके दौरान नहीं ना हम अभी सीख रहे हैं राइट सो ये चीज भी एक डिस्ट्रैक्शन है वो भी हमारे लिए एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है लाइफ का राइट और भी बहुत सारे हो सकता है जैसे कि कुछ फैमिली कमिटमेंट हो लाइक यू नो या कोई आपके घर में फंक्शंस हो कुछ हमने वेकेशंस हमने ये किया है या बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है ये भी एक ना अपना डिस्ट्रैक्शन हो के आ सकता है या कुछ हेल्थ इश्यूज हो या कुछ यू नो अभी के सिचुएशन की बात करते हैं पैंडेमिक सिचुएशन है ना ये भी एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है हमारे राइट कौन बाहर जाके काम करेगा लेकिन आप कैसे अपने आप को वहां पे रेडी रखोगे उस चीज को फेस करने के लिए राइट ये भी एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है या कुछ न्यू वे ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस राइट जैसे नया ट्रेंड अभी है ना हम कैसे अपने आप को सोशल मीडिया में बिजनेस को बिल्ड करने के हम अपने आप को यू नो चेंज कर सकते हैं ये भी एक तरीका हो सकता है राइट हम कितना तैयार है अपने आप को रेडी चेंज होने में करने के लिए राइट तो ये भी एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है राइट ये जो चीजें मैंने अभी शेयर किया है ना कि ये सब कुछ जो मैं फेस कर रही थी जो मैं फेस कर रही हूँ एक्चुअली राइट तो इसलिए मैंने शेयर किया मैंने इस प्रकार से इसको एजम्पशन किया ये मेरा टेस्टिंग पीरियड हो सकता है सो आई हैव टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स राइट सो देखिए कोई भी बड़े चीज जब हम करने लगते हैं ना ये टेस्टिंग पीरियड होएगा ही राइट बट उस चीज में उसके दौरान जब हम बोलते हैं ना कि हार एक वीक माइंडेड रहकर है ना एक वीक पर्सन होकर हम अपने आप को हार अपने अंदर वो जो हार मान जाते हैं ना तो उस चीज को क्विट कर जाते हैं बट वही प्रोसेस में हम स्ट्रांग रहकर है ना उस चीज में वो प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो अचीव वाई है ना वो कभी ना कभी अचीव होगा इट्स लाइक बोलते हैं ना कि ये एक रेस को फिनिश बोलते हैं ना जीतना नहीं है एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ हमको फिनिश करना है कंप्लीट करना है इट्स लाइक अ मैराथन राइट तो बोलते हैं ना शुरुआत में जब आप दौड़ने लगते हैं तो क्या होता है कि हमको बहुत सारे से पेन होता है बहुत सारे पेन होते हैं बॉडी पेन मसल्स पेन है ना हम थक जाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं करना है बट जैसे जैसे हम उसमें लगे रहते हैं ना और आगे प्रैक्टिस करते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं तो कभी ना कभी ऐसे एक समय आएगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा हमने कब 100 किलोमीटर दौड़ा हम कैसे किया कंप्लीट राइट हमने कैसे उसको अचीव किया पता भी नहीं चलेगा उस वक्त कोई भी पेन हो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी नहीं हमारे सामने दिखता है राइट एंड एक चीज मैंने एक बुक में मैंने रीड किया था बहुत अच्छी चीज है कि आप कोई भी चीज को है ना जितना मुश्किल से पाते हो ना उतना ज्यादा उस चीज का वैल्यू बढ़ जाता है राइट और साथ में आप उसको आसानी से उस चीज को पाते हैं ना उसका वैल्यू कभी नहीं समझ पाते राइट तो ये भी ऐसा है अपना जो पॉइंट है जो ड्रीम है ना जो इमोशनली ना जो प्रोसेस में है ना हम लोग अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं तो साथ में उस चीज को अचीव करने का और साथ में उस चीज को एंजॉय करने के लिए सक्षम हो जाते हैं राइट सो हमेशा मैंने एक बहुत सारे लीडर से भी सुना था लाइक यू नो एक बहुत अच्छी चीज है बात यह है कि लाइफ में हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना राइट कुछ बड़े चीजें अचीव करने का या कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना लाइफ भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है जब हम अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली हम जो लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं ना वो हमको मिल जाती है राइट सो ये चीज जो भी मैंने शेयर किया यहाँ जो नए लोग हैं तो जो इनिशियली अभी नए जो बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं है ना आपके लिए एक गाइडलाइन हो सकता है राइट काफी सारे लोग हैं जो हमारे जैसे कुछ समय से बिजनेस में हैं काफी सारे लीडर्स हैं उन लोग मेरे बात से डेफिनेटली रिलेट करेंगे राइट थैंक यू सो मच या होप मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसमें यू नो जस्टिफाई कर दिया थैंक यू अरिनाक्षी जी आपका ये जो टॉक है सुन के
मुझे नहीं पता कौन कौन इंस्पायर होगा, बट वो व्यक्ति जरूर इंस्पायर होगा जो अपने अंदर एक वॉरियर देखता है, क्योंकि उसको वो एक्साइट करेगा। चैट बॉक्स खुला हुआ है, आई थिंक आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो यू नो इट हेल्प्स पीपल टू गेट मोर मोटिवेटेड। ये टॉक सुनने के बाद मुझे यही समझा कि टेस्टिंग टाइम इज एक्चुअली डेवलपिंग टाइम। ये जो टेस्टिंग टाइम है ये डेवलपिंग टाइम है, माइंडसेट, स्किल सेट, सॉफ्ट स्किल सेट्स इसको डेवलप करना चाहिए। और मैराथन वाली बात आपकी मुझे बहुत बढ़िया लगी, बिकॉज हम एक्चुअली एक मैराथन खेल रहे हैं। मैं भगवद गीता पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज ऐसे समझ में आई उसमें, कि उसमें ऐसा बोलते हैं कि सोचना तू छोड़ मांगना तू छोड़, सोचना तू छोड़ मांगना तू छोड़ सिर्फ कर्म किए जा, सोचना तू छोड़ मांगना तू छोड़ सिर्फ कर्म किए जा, क्योंकि तुझे जो मिलने वाला है वो तेरी कल्पना से परे है, तेरी कल्पना वहां तक जा ही नहीं सकती कि जो तेरे लिए लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अमेजिंग। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एंड आई होप सबको मजा आ रहा है, आई होप इट इज एडिंग वैल्यू, डेफिनेटली इट इज एडिंग वैल्यू। अब हमने बात किया why is so important, how कैसे फाइंड करें अपने why को, उसके बाद फाइंड करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, टेस्टिंग पीरियड क्या क्या होता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, एक लीडरशिप लेवल आती है, धीरे धीरे और आप मैच्योर होते जाते हैं, और ये जो why है, ये जो why है ये इवॉल्व होता है। जैसे कि डॉक्टर अवधेश ने कहा ना, पहली बार जब हमको पूछा गया तो हमने लिखा मर्सिडीज, बट अब लगता है यार मर्सिडीज नहीं चाहिए, क्योंकि अब कुछ और चाहिए उससे भी बड़ा। तो ये वाई जो है ये इवॉल्व होते जाता है जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, एक मैच्योरिटी आती जाती है। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं एक जबरदस्त लीडर हमारे पास है, सो मैं उनको डैश पे इन्वाइट करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से इनको सुने। सो राधिका जी, डैश इज योर्स। या थैंक यू डॉक्टर मनीष, एंड बहुत अच्छे से सबने बहुत कुछ बताया है। सो क्या होता है ना कि जैसे एक सीढ़ी है ना, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे, ठीक सही है। तो हम एक जगह ठहरे हुए नहीं रहते हैं, या तो हम आगे बढ़ते हैं और नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। सो जैसे जैसे हम बिजनेस में जब हम नए आते हैं तो नए इनिशियली हर किसी का क्या ड्रीम होता है, जब हम वो प्लान देखते हैं तो एक होता है या तो हम साइड इनकम कुछ अर्न कर सके, या फिर हम ऐसे ही रैंडमली हमसे कोई पूछता है जैसे नेहा जी ने कहा कि हमको घर चाहिए, या हम सिल्वर शिप, मुझे सिल्वर जाना है, एटलीस्ट 25,000 के 50,000 की इनकम जो है वो मुझे चाहिए, या हम मुझे डायमंड जाना है, हमने एफईडी देख ली, हाँ मुझे तो डायमंड ही जाना है, ठीक है। हम ये सारे ड्रीम हमारे अपने कोच को या मेंटर को बताते हैं, हम उस पर काम करना भी स्टार्ट करते हैं, बट वो सिल्वर क्यों जाना है, वो सिल्वर जाना है ना वो एक्चुअली आपका वाई नहीं है, वो आपका व्हाट है, आपको रिजल्ट क्या है वो है सिल्वर जाना तो आपका, पर आपको सिल्वर जाना ही क्यों है, उससे जो आपको इनकम आएगी उसका आप करेंगे क्या, ये हमको इनिशियली नहीं समझ में आता है। और जितना हमारा वाई क्लियर नहीं होता उतना ही हमारे लिए काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि अभी मनीष जी ने कहा ना कि चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज जब हमारा वाई क्लियर होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम हाउ करते हैं, हम एक्शन डालना स्टार्ट करते हैं, एंड जब हम एक्शन डालते हैं देन क्या होता है, यदि मेरा वाई इमोशनल है जैसा कि अवधेश जी ने कहा था, तो मैं ना आएगा तो भी हार नहीं मानूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन यदि मेरा इतना स्ट्रांग वाई नहीं है, मुझे सिल्वर जाना है, मुझे 50,000 कमाने हैं, बट यदि एमवे के अलावा कहीं और से भी मैं 50,000 कमा सकती हूँ, इन बिटवीन कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, बिकॉज मेरे को वाई 50,000 कमाने बट वो एमवे से ही कमाने, ये चीज मेरे क्लियर नहीं था। जब आप बिजनेस में रहते हैं, टिके रहते हैं, आप अपनी कोचेज एंड मेंटर्स से मिलते हैं, आप सीडीज एंड बुक्स पढ़ते हैं, आप अपने आप से 50,000 पहले मुझे कमाना था, मुझे सिल्वर तब भी जाना था जब मुझे 50,000 या लाख रुपया चाहिए था। जब मैं बिजनेस में थोड़ी दिन टिकी हूँ, मैं कोचेज मेंटर्स के साथ टीम के साथ रह रही हूँ, मेरा सिल्वर तो मुझे तब भी जाना है, लेकिन तब मेरा सिल्वर जाने का रीजन क्या हो जाता पता है, कहीं आपका सिल्वर जाने का रीजन ये हो जाता है कि मेरा जो कोच या मेंटोर है ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इसीलिए मुझे सिल्वर जाना है। कहीं आपका सिल्वर जाने का रीजन वो हो जाता है ना कि मैं कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊं, कितने लोगों की लाइफ में मैं जो मुझे चाहिए वो चीज, जो मेरा वाई है, जो मुझे एमवे से मिल रहा है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या मिल रहा है, बट मैं कितने लोगों को वो ट्रांसफर कर पा रही हूँ, कितने लोगों को मैं अपना वैल्यू पास ऑन कर पा रही हूँ। तो क्या होता है, आप
आपका एक ड्रीम अभी चेंज हो गया, आपका वाई क्या हो गया, लोगों की ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज करना है, मुझे ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। बट अगेन आप वो काम करोगे तो अल्टीमेटली आपको सिल्वर शिप मिलने वाली है, आपको डायमंड शिप मिलने वाली है। तो वो जो आपका वाई इनिशियली आप उसको समझ रहे हो, एक्चुअली आपका व्हाट ऑफ द वाई है। वाई ऑफ द वाई जब आपका क्लियर हो जाता है ना कि क्यों मुझे सिल्वर जाना है, क्यों मुझे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है, मैं 6 लोगों के घर में यदि खुशियां लाऊंगी तो मैं डायमंड जाऊंगी, जब ये चीज मेरी क्लियर हो जाती है ना तो एक्चुअली मेरा वाई क्लियर होता है। मेरा वाई यानी कि वो वही है, सिल्वर है या डायमंड व्हाटएवर, जो घर गाड़ियां जो भी मेरा वाई है वो मुझे मिलेगा प्रोसेस के दौरान, वो चीज मुझे मिलेगी, वो मेरा वाई है। बट वो मेरा सोचने का तरीका बदल गया है। एंड जिस दिन आपका व्हाट ऑफ वाई से वाई ऑफ वाई क्लियर हो जाएगा ना कि क्यों मुझे वो चीज चाहिए, उस दिन क्या होगा ना, हम इस बिजनेस में आगे ग्रो करना चलेंगे। एक स्टोरी से शेयर करूंगी कि लैंगले और व्हाइट ब्रदर्स के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट बनाई, बट लैंगले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोनों का गोल सेम था, दोनों का गोल यही था कि हमें फ्लाइट बनानी, हमें एक ऐसी इनोवेटिव चीज बनानी है जो हम आसमान में। लैंगले के पास बहुत सारे सोर्सेस थे, उनके पास बहुत सारा फंड था, बहुत सारी चीजें थी जो कि उनको हेल्प कर सके वो अचीव करने में। एंड उनका गोल था कि मुझे, गोल उनका वही था कि मुझे भी। राइट ब्रदर्स का भी वही गोल था उनके पास, लेकिन कोई भी एडुकेटेड नहीं था, कोई कोई तो 10th भी नहीं पास था। बट उनका जो वाई था ना वो ये था कि मुझे जो मैं करूंगा उससे दुनिया को कितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लोगों को कितना हेल्प होगी। एंड लैंगले का जो वाई था उसका ये था कि मैं जब ये क्रिएट करूंगा तो मुझे कितनी वाहवाही मिलेगी। जिस दिन जब हम इस बिजनेस में, इस सिस्टम में टिके रहते हैं, लगातार अपने कोचेज एंड मेंटर्स के साथ सीडीज सुनते हैं, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा खुद के बारे में हम जो सोचते हैं उससे वो ट्रांसफॉर्म होकर लोगों के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। एंड तभी एक्चुअली में हमको इस बिजनेस का विजन क्लियर होता है। एंड वाई ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस में ही चेंज होता है, वाई आपका, आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो आपका वाई चेंज होता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, अपने ही घर का एग्जाम्पल दूंगी। मेरे हस्बैंड सीए हैं एंड उनके बाद उनके 2-3 भतीजों ने भी ट्राई किया बट अभी तक उन्होंने हुए नहीं। रीजन क्या था, मेरे हस्बैंड जब सीए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सीए नहीं बना तो मैं क्या करूंगा जिंदगी में, कुछ और नहीं था उनके पास करने के लिए, तो वो एक विजन क्लियर था। बट जो उनके भतीजे हैं ना उनको ये पता था कि गोल उनका भी सीए बनना ही है क्योंकि मुझे पापा का बिजनेस नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था, नहीं भी हुआ सीए तो बिजनेस तो है ही पापा का, बहुत बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है पापा। तो वो जो था ना, इस कारण उनको कहीं ना कहीं बनना, उनको भी सीए था, इनको भी सीए था, बट इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, नहीं बना तो मैं क्या करूंगा। बट उनके पास क्योंकि दूसरा रास्ता था इसीलिए उन्होंने उसको अचीव नहीं किया। एंड क्या हुआ, उनका आज से 5 साल पहले आप यदि उनको वाई पूछोगे तो उनका एक ही गोल था, एक ही लक्ष्य था, सीए बनना। बट आज आप उनको वाई पूछोगे तो आज वो बिजनेस कर रहे हैं, शायद उनको बिजनेस को ग्रो करना उनका वाई होगा। एंड बिकॉज वो इस बिजनेस से भी बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है इसीलिए वो कुछ और करना, तो मे भी आज से 4 साल बाद उनका वाई कुछ और होगा। बट इस बिजनेस में आपका वाई जो चेंज होता है ना, तो क्या होता है ना कि आपके कोचेज एंड मेंटर्स आपके साथ रहते हैं। आप जो अपना वाई बनाते हो ना वो आपके साथ रहते हैं ये गाइड करने के लिए कि ये सही है या नहीं है। आप जैसे जैसे बदलाव आता है आपके अंदर, वो आपको सही चीजें प्रोवाइड करते, सही बुक्स एंड सही टॉक्स या सही बातें, जैसे नेहा जिनका जो उनके साथ है तो वो सही बातें ऐसी बोलते हैं कि हमको पता चलता है हम कैसे अपना वाई फाइंड आउट करें। बट बाहर की दुनिया में क्या है ना, आपने अपना वाई नहीं अचीव किया और फिर भी आपका वाई चेंज होते रहता है एंड अल्टीमेटली आप एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट यहाँ आप डिमोटिवेट कहीं नहीं होते यदि आपने अपने कोच या मेंटर का हाथ थामा। एक वाई मोस्टली यहाँ क्या होता है, हम अपना एक वाई अचीव कर लेते हैं और फिर दूसरा बड़ा वाई पे हम आ जाते हैं। बट यदि हमने अचीव नहीं भी किया तो हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कोच एंड मेंटर्स। जैसे मैं यहाँ बता सकती हूँ कि मेरे कोच आंचल जी ने जो मुझे मेरे अंदर जो भी क्वेश्चंस चल रहे थे उनके लिए उन्होंने मुझे सही टॉक्स प्रोवाइड किए, सही बुक्स प्रोवाइड की, जिससे मुझे ये समझ में आया कि वाई सिर्फ वाई वो नहीं है कि आपने वाई जो मैंने बताया ना व्हाट ऑफ वाई और वाई ऑफ वाई, वो मुझे इस बुक को पढ़ के समझ में आया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। सो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से काफी कुछ बता दिया है एंड बैक टू मनीष जी। अमेजिंग राइट राधिका जी, बहुत मैच्योर्ड बातें की आपने एंड इट शोज इन योर टॉक की जैसे जैसे बिजनेस में आप आगे जा रहे हैं, वेरी वंडरफुल लीडरशिप इज कमिंग फ्रॉम यू एंड आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। और जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ सोच रहा था, जैसे आपने कुछ पॉइंटर्स बताए, सेल्फ सेंट्रिक और वर्ल्ड सेंट्रिक,
तो हम जब शुरुआत करते हैं तो शायद हम सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, अपने लिए अपने लिए अपने लिए, पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में अपने ड्रीम्स के प्रति, तो हमें वर्ल्ड सेंट्रिक होना है, दुनिया के लिए सोचना है। तो मुझे बिलब्रिट की एक बात याद आ गई जो बिलब्रिट हमको सिखाते हैं, हम बाकी लीडर्स से सुनते हैं कि लाइफ इज ऑफ थ्री टाइप्स, जिंदगी तीन तरह की है। एक है सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब हम वाइज शुरुआत करते हैं हमारा, इनिशियली जब हम सोचते हैं हमको क्या करना है, शायद हम सर्वाइवल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरा एजुकेशन, सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। पर जब हम पैशनेटली किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, फिर वो सक्सेस आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेस, यू वांट टू शो एंड यू वांट टू हैव मोर थिंग्स। बट कहीं ना कहीं इस बिजनेस में इसका मॉडल ही ऐसा है कि यू हैव टू हेल्प अदर्स, देन ओनली यू ग्रो। सो लाइफ ऑफ सक्सेस बहुत लोग पाते हैं इस दुनिया में, पर ऐसा बहुत कम मौका आता है कि इस दुनिया में आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी पाते। मतलब आप जिए इसलिए क्योंकि औरों की जिंदगी बेहतर हुई, आपकी जिंदगी बेहतर हुई क्योंकि औरों की जिंदगी बेहतर हुई। एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस के थ्रू जाते जाते वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और आप सभी पैनलिस्ट को सुनते सुनते मुझे एक और चीज याद आई, एक और श्लोक मैंने बनाया है ना, कुछ काम करना होता है, कुछ काम करना होता है इसलिए नहीं कि कुछ पाना होता है। जिंदगी में कुछ काम करने होते हैं इसलिए नहीं कि कुछ पाना होता है, अरे इसलिए करना होता है क्योंकि वो सही होता है, वो आपके अंदर से आता है, वो आपका पैशन है, आपको लगता है मुझे दुनिया को हेल्प करना चाहिए, मुझे इसके ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, मैं ये करूंगा तो बहुत समाज में चेंज आ सकता है, मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं। तो आई होप आज आप ये पैनलिस्ट को सुनने के बाद आपको ये लगा होगा, कुछ अंदर से हिचकोले आए होंगे कि यार हमने हमारे वाई को एक्सप्लोर करना है, एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स आवर ड्रीम एंड मेक थिंग्स हैपन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, अवधेश, नेहा जी, हरिनाक्षी जी एंड राधिका जी, यू डिड अ फैबुलस एंड वंडरफुल जॉब। मुझे पता है आपने बहुत प्रिपरेशन की, इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।